जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये वैसे तो SSGD 2018 वालों के लिए, साथ में SSGD 2021 वाले अगर बच्चे देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो 2018 वाली वैकेंसी के बच्चे ने भुगती है वो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को किए कि सर आपने 2018 वाली वैकेंसी के बारे में काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो एक बार हमको अपडेट दे दीजिए इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आप SSGD 2018 के बारे में मैं टोटल आपको अपडेट देने वाला हूं, आप वीडियो को एंड तक और तसली से देखिए। अगर आपने 2018 वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम दिया या आप कुछ नंबरों से रह गए तो क्या इसकी प्रेजेंट टाइम में अपडेट है विथ हेल्ड वालों का क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, जो बच्चे जब ज्वाइनिंग किए तब मेडिकल में फेल हो गए या फंस गए उनके साथ क्या होगा, जैसे उनको समय भी मिला 3-3 महीने का, उसके बाद में उनके साथ क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। साथ ही 2021 वाले बच्चे इसलिए देखें दोस्तों, जो जिन बच्चों के साथ में हुआ है वो आपके साथ में नहीं हो, इसीलिए आपको इस वीडियो को साथ में देखना है। तो ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं SSGD 2018 वाली वैकेंसी की विथ हेल्ड की, यानी जिनका रिजल्ट रोक लिया गया था। वो बच्चों के बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर हमारा रिजल्ट रोक लिया गया, अब हमारा क्या होगा। दोस्तों अब क्या होगा, अब आपकी होगी फॉरेंसिक जांच। किसकी होगी, आपकी नहीं, कहने का मतलब है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। आपने फॉर्म भरा था उस समय आपका थंब, आपके सिग्नेचर, एग्जाम के टाइम आपके सिग्नेचर, उन सभी की होगी फॉरेंसिक जांच। यानी वो विथ हेल्ड में कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जिनके बायोमेट्रिक में फिंगर मिसमैच हो गए थे, यानी मैच नहीं हुए थे फिजिकल और मेडिकल और एग्ज़ाम के टाइम में, तीनों में अलग अलग हो गए थे, यानी किसी एक में अलग दो में ऐसे। तो अब उनकी होगी फॉरेंसिक जांच। अगर फॉरेंसिक जांच में वो सही पाए जाते हैं तो उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें कितना समय लगेगा, इसमें लग जाएगा अभी लगभग 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा ही समय लगेगा, कम समय नहीं लगेगा 3 महीने के आसपास, क्योंकि SSGD का प्रेजेंट टाइम में वैसे ही काम आप सभी को पता है धीरे धीरे होता है और अब तो कोरोना काल है, तो 3 महीने प्लस ही आपको इंतजार करना पड़ेगा विथ हेल्ड वालों का। लेकिन अगर आप फॉरेंसिक जांच में सही पाए जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग 101% होगी दोस्तों। ठीक है, आपकी मेरे ख्याल से आप संतुष्ट हो गए होंगे दी हुई जानकारी से। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर जो वैकेंसी फिल की है, जैसे 49 कुछ पोस्ट की मेल की थी उसमें से 3000 पोस्ट खाली रह गई है, यानी 54000 के समथिंग टोटल वैकेंसी फिल गई है, और जबकि 62000 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें 5802 पोस्ट एक्स सर्विसमैन कोटे की। तो दोस्तों बता दूँ इसके बारे में, जैसे वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो दोस्तों सेकेंड लिस्ट तो आएगी, अब वो किसकी आएगी, उसमें ये इनको ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी, क्योंकि विथ हेल्ड वालों की आएगी, उनके साथ में जिन बच्चों ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया है किसी कारणवश। आपको पता है SSGD के आप मेडिकल से लेके पूरी की पूरी भर्ती में कहीं पे भी आपके साथ अगर गलत होता है तो आप बिल्कुल कोर्ट में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने कोर्ट में इसके किसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन किया था, तो उनका भी वापस से चेक होगा उसके बाद में इसकी जो सेकंड लिस्ट आएगी SSGD की, लेकिन उसमें समय लग जाएगा क्योंकि वो विथ हेल्ड के क्लियर होने के बाद में आएगी। लेकिन जो पोस्ट रही है एक्स सर्विसमैन कोटे की 5802 पोस्ट, उसके अलावा जो अदर स्टेट की जो वैकेंसियाँ खाली रही है, तो दोस्तों उस वैकेंसी से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आरक्षित सीटें हैं, वो भले ही खाली रह ले लेकिन उनको फिल नहीं किया जाएगा, वो अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाएगी 2021 की वैकेंसी में, जो 3000 पोस्ट के आसपास वो खाली रही है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनकी जो पोस्टें खाली होगी, तो मैं बता दूं दोस्तों बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि अभी देश में आप सभी को पता है कितनी महामारी चल रही है रोजगार को लेकर, तो लगभग बच्चों ने ज्वाइन किया, कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पर खाली रही है, तो उन बच्चों को या विथ हेल्ड वालों बच्चों को मिला के एक सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी। लेकिन उसमें ये 5802 पोस्ट एक्स सर्विसमैन वाली किस दिन क्लियर हो जाएगी, जिस दिन SSGD 2021 की नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों उस दिन क्लियर हो जाएगी। अगर उस नोटिफिकेशन में एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित सीटों का आंकड़ा 100, 200, 500, 1000 ही होता है, तो इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि आरक्षित जो सीटें कितनी है एक्स सर्विसमैन की 5802 पोस्ट। लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन के लिए 6000 के आसपास आंकड़ा आता है कोटा, तो इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 101% क्लियर हो जाएगा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। किससे क्लियर होगा, SSGD 2021 की जो नोटिफिकेशन आएगी उस दिन आप सिर्फ एक ही चीज़ देखना कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीटें दी गई, अगर वहाँ पर 5000 प्लस सीटें दे दी गई है तो इसका मतलब है कि आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, अगर वहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें कम दी जाती है, 4000, 5000 या कम सीटें दी जाती है फिक्स, तो इसका मतलब है कि आपको एक्स सर्विसमैन का
जो कोटे वाली जो सीटें हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट इस पे डिपेंड करेगी। अब जो बच्चे मेडिकल में रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की जो ज्वाइनिंग नहीं आई, जैसे CISF की नहीं आई, वो बच्चे भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी। दोस्तों ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। अगर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं करा रहा तो उनके पीछे उनका कोई ना कोई लॉजिक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नहीं कराना, या कोरोना काल की वजह से भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग डिले हो रही है आपकी, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी अप्रैल चल रहा है, या तो अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें आपको संदेह नहीं है। घर वाले आप पे डाउट कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो बात कर रहे हैं कि जिनको मेडिकल में रख दिया गया है तो उनको 3 महीने का समय दिया, वो बच्चे क्या करें जो मेडिकल में रह गए, या उनको जिनको मेडिकल में रख दिया तो वो बच्चे क्या करें, उनको किस प्रॉब्लम की वजह से रखा तो उस प्रॉब्लम का इलाज कराएं, इसीलिए आपको 3 महीने रखे गए। और मैंने मेडिकल के लिए जितने भी वीडियो बनाए थे आप सभी ने देखे हैं, वैसे तो जिन बच्चों ने देखे थे मैंने क्या बोला था कि मेडिकल में किसी को बाहर नहीं करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपको 3-4 महीनों का समय दिया जाएगा, उसमें आप ठीक करा के वापस फिट हो सकते हो, किसी को भी मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। ये मैंने कितनी बार बोला होगा आप सभी को पता, कितनी बार बोला वही हुआ। मेडिकल में केवल एक या दो अब तक जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, चाहे BSF हो, CRPF हो या ITBPO, असम राइफल, इन टोटल फोर्सेस में मिला के 2 या 5 बंदे ऐसे हैं जिनको मेडिकल में बाहर का रास्ता दिखाया, और वो भी पूरा बाहर नहीं, उनको 3 महीने का समय दिया, तो 3 महीने में वो फिट हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो 3 महीने में ठीक करके वापस से फिट हो जाएगी, इसीलिए मैं बोला ज्वाइनिंग के मेडिकल की आपको चिंता नहीं करनी है, नॉर्मल सा मेडिकल होगा ज्वाइनिंग में, क्योंकि SSGD का जो मेन मेडिकल होता है अगर वहाँ पर फिट हो गए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो 2018 वाले जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर, जो वेट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो दोस्तों SSGD 2021 की जैसी नोटिफिकेशन आएगी आपका पूरा का पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा, कोई संदेह नहीं रहेगा इसमें कि आपको वो सीटें इसमें जोड़ी गई है या नहीं जोड़ी गई। अगर नहीं जोड़ी गई है तो आपके लिए सेकेंड लिस्ट आएगी, नहीं तो आप अगर मेरी मानो तो दोस्तों इंतजार ना करें सेकंड लिस्ट का, 2021 की वैकेंसी की तैयारी करें। अगर आप ओवर एज हो गए तो RPF कांस्टेबल की तैयारी करें, क्योंकि RPF कांस्टेबल और RPF SI दोनों की वैकेंसी आने वाली है, तो उनकी तैयारी करें अगर आप मेरी मानते हो। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो चले जाना, नहीं आता तो आप तैयारी तो करो, तैयारी में क्यों कमज़ोर हो रहे हो, आपके पास में ऑप्शन है। अभी अगर आप इसमें ओवर एज हो गए तो RPF कांस्टेबल और RPF SI की तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।